अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स टाइटल। द टाइटल ऑफ दिस यूनिट इज़ द एम्बेसडर्स डिस्गाइज। एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को और डिस्गाइज मतलब भेस बदलना। वर्ड्स टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड इज़ एम्बेसडर, एन ऑफिशियल ऑफ द हाइएस्ट रैंक सेंट बाई वन कंट्री टू अनदर एज आ रिप्रजेंटेटिव। इससे मुराद ये कि एक सरकारी आला अहदे पर फायज ऐसा बंदा जो कि किसी मुल्क की तरफ से भेजा जाए उसका नुमाइंदा बना के दूसरे मुल्क। बूस्ट टू प्रेज आर स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ, अपने आप की तारीफ करना या फिर अपने बारे में बड़े बड़े बोल बोलना। क्लब अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड, हैवी स्टिक मतलब एक भारी सी छड़ी विद अ थिक एंड जिसका जो एंड है वो थिक होगा, मोटा होगा। यूज्ड एज अ वेपन, जिसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेंथ अ लॉन्ग वुडन वेपन, एक लंबा लकड़ी का हथियार विद अ पॉइंटेड स्टील हेड, जिसका जो हेड होगा वो स्टील का होगा। ठीक है, पॉइंटेड स्टील हेड मतलब ये कि नोकीला स्टील का जिसका हेड होगा। यूज्ड बाय हॉर्समैन, जिसको घुड़सवार इस्तेमाल करते हैं। ट्रिब्यूट टू पेमेंट, अ पेमेंट बाय मेड बाय वन रूलर टू अनदर, के ऐसी पेमेंट जो कि एक हुक्मरान दूसरे को पे करता है। So let's start reading with translation. First page number 52. Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, के एक दफ़ा महल में, पैलेस कहते हैं महल को, व्लेडिमीर के एक अजीम रशियन शहज़ादा या रूस का शहज़ादा ऑफ कीव, कीव का, ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बूस्ट, तमाम उसके जो उमरा थे या जो वज़ीर थे वो घमंड कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा बूस्ट के बारे में, टू प्रेज आर स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। वन नोबल बूस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक वज़ीर जो था वो अपनी ताकत के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करता। एन अदर शोड ऑफ हिज विजडम, तो दूसरा अपनी अकल या फिर दानाई को शो करता या दिखाता। अदर्स बूस्टेड ऑफ देयर वेल्थ, दूसरे जो थे वो अपनी दौलत के बारे में। आर देयर ट्रस्टेड हॉर्सेज, या फिर अपने घोड़ों के बारे में जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। ट्रस्ट इस सूरत में कि उन्हें वो लगता था कि बहुत ताकतवर हैं। वन नोबल स्टीवर गोडिनोविच, एक जो था वज़ीर जिसका नाम स्टीवर गोडिनोविच था, तो सेड नथिंग एट ऑल, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा था। ही सेड विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, ड्रीमी लुक मतलब जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, मतलब उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, किसी ख्वाब की दुनिया में है, बिल्कुल चुप बैठा था। प्रिंस व्लेडिमीर नोटिस्ड हिज दिस एंड आस्क्ड, जो शहज़ादा था व्लेडिमीर, उसने क्या किया कि उस चीज़ को नोटिस किया, मतलब उसको वो चीज़ नज़र आई और उसने उससे पूछा, वाई आर यू साइलेंट, तुम खामोश क्यों हो। स्टीवर उसका नाम उसने पुकारा, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं। ग्रेट प्रिंस, अजीम शहज़ादे, रिप्लाइड स्टीवर, स्टीवर ने कहा, आई हैव नथिंग टू बूस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ, मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट सिवाय माई वाइफ, मेरी बीवी के, कैथरीना, जिसका नाम कैथरीना है। शी इज़ यंग, वो जवान है, एंड ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत है, ब्रेवर बहादुर है, एंड मोर स्किलफुल और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब स्किलफुल बंदा, माहिर होना, हुनरमंद होना, देन एनी वॉरियर हेयर, यहाँ पर जितने भी वॉरियर होते हैं जंगजू, ठीक है, उन सब में से वो ज़्यादा स्किलफुल है। शी
कैन शूट विद अ बो, वो एक बो से या फिर एक तीर कमान से शूट कर सकती है. सिंग लाइक अ नाइट गेल, वो एक नाइट गेल की तरह या फिर बुलबुल की तरह गा सकती है. एंड इंचेंट एवरी वन विद हर हार्प, और सबको अपनी तरफ माइल, इंचेंट का मतलब होता है माइल करना, एवरी वन हर किसी को, विद हर हार्प अपने हार्प से. हार्प क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. एंड नो वन हियर विल एवर बीट हर एट चेस, और यहाँ पे कोई भी उसको चेस जो के खेलते हैं उसमें कोई भी उसको हरा नहीं सकता. इज डेट सो, इंटरप्टेड द प्रिंस, अच्छा ऐसा है, उसको जो शहजादा था उसने इंटरप्ट किया, मतलब उसकी बात को काटा. यस, जी हाँ, इंडीड, बेशक, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टीवर ने उसको जवाब दिया. शी कुड ईजीली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वो आसानी से हरा सकती है आपके तमाम उमरा को. एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिएगा फॉर सेइंग सो, ये कहने के लिए, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर, आप भी उसके मुकाबले के नहीं हैं. द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, जो शहजादा था बहुत गुस्से में आ गया, बहुत उसको गुस्सा आया. व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने ये सुना, ही क्लेयर्ड एट स्टीवर एंड सैड, उसने स्टीवर को घूरा और कहा, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, तुम बहुत आगे चले गए हो, मतलब ये कि तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है. हाउ डेयर यू से डैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि मैं तुम्हारी बीवी के मुकाबले का नहीं हूँ. द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टीवर, उसने अपनी एक फिंगर जो है वो स्टीवर की तरफ अपनी एक उंगली की. एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड, और अपने एक गार्ड या मुहाफिज की तरफ मुड़ा, सैड, उसे कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ, थ्रो हिम इन टू द डंजन, और इसको डंजन कहते हैं, एक जेर ज़मीन जो किला होता है ना, खुफिया जगह जो होती है, इसको वहाँ फेंक दो. गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, नो गो, इसको ओट्स दे दो, मतलब दलिया टाइप को चीज़, एंड वाटर, और इसको पानी दो, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नो गो, अब जाओ. द गॉड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, गार्ड या फिर मुहाफिज ने ऐसे ही किया जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था या हिदायत दी गई थी. ही थ्रू स्टीवर इन टू अ कोल्ड डार्क डंजन, उसने फेंक दिया स्टीवर को एक बहुत ठंडे और बहुत डार्क, जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था किले में. द ओनली लाइट केम फ्राम अ स्मॉल विंडो, जो सिर्फ लाइट आ रही थी या रोशनी आ रही थी वो एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी, विथ थिक आयरन बार, जिसमें बहुत ज़्यादा मोटी लोहे की सुलाखें लगी हुई थी. हाई अप नियर द सीलिंग, सीलिंग कहते हैं छत को, जो कि बहुत ऊपर थी छत के करीब. ऑल स्टीवर कुड सी वाज द स्काई, और स्टीवर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो सूरज आसमान था उसको देख सकता था. ही सेट ऑन द कोल्ड, वो बैठ गया ठंडे स्टोन फ्लोर और पथरीले फर्श पर, फीलिंग वेरी सैड, और वो बहुत उदासी या परेशानी के आलम में था. एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, स्टीवर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्टीवर ने खिड़की से बाहर देखा. एट द स्टार्स, सितारों को, इन द स्काई, आसमान पर, लास्ट, उसने अफसोस किया. ही थाट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर, मैंने सर्व खिदमत की प्रिंस शहजादे की फॉर 9 ईयर, 9 साल, एंड दिस इज़ हाउ, और इस वजह से ही रिपेज मी, उसने मुझे ये उसका सिला दिया. आई एम सॉरी,
मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई हर्ट द प्रिंस, मैंने शहजादे को हर्ट किया या उसको दुख दिया, बट लेकिन आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने अपनी बीवी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सच बोला। आई होप समवन टेल कैटरीना वेयर आई एम, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई कैटरीना को बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। कैटरीना हर्ड वट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कैटरीना ये सुन चुकी थी कि उसके हस्बैंड के साथ या उसके खावंद के साथ क्या हुआ है। शी ट्राइड टू विजिट हिम, वो चाहती थी उससे उसके पास जाना द फॉलोइंग डे अगले दिन, बट द गॉड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन जो मुहाफिज थे उन्होंने उसको अंदर ना जाने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, रेस्क्यू मतलब उसको बचाने के लिए उसने एक मंसूबा बनाया। कैटरीना कॉल टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, 30 चेस मास्टर्स एंड 30 म्यूजिशंस। उसने क्या किया, बैंड उसकी जो एक जमात थी या उसके जो बैंड था, बैंड मतलब मुख बहुत से लोगों का एक जो ग्रोह था जो उसके साथ काम करता था, उसमें से उसने 30 आर्चर्स को बुलाया। आर्चर्स होते हैं तीर अंदाज। 30 उसने चेस मास्टर्स बुला लिए और 30 उसने म्यूजिशियन बुला लिए। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें कहा, शी नीडिड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, के उसे उनकी मदद की ज़रूरत है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, एंड दे एग्रीड टू हेल्प हर, और वो सारे उसको उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे कैटरीना गॉट रेडी, अगले दिन कैटरीना बिल्कुल तैयार थी। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मोर, उसने एक सूट पहना आर्मोर जो कि अक्सर जंगजू पहनते हैं, विद अ हेलमेट, और उसके साथ उसने एक हेलमेट पहना टू कवर हर फेस, अपने फेस को कवर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उसने एक हेलमेट पहन रखा है जो कि उसके फेस को कवर कर रहा है और सिर्फ उसकी आइज़ नज़र आ रही हैं। शी कैरीड अ बो, उसने एक कमान उठाया, एंड सम एरोज, और कुछ तीर, आ क्लब एक डंडा ऑफ स्टील, स्टील का, एंड अ लॉन्ग लेंस और एक बहुत लंबा सा नेज़ा। परचर्ड ऑन हर लेफ्ट फॉर आर्म वाज अ फाल्कन, फाल्कन जैसा कि ये परिंदा हमें नज़र आ रहा है, और परचर्ड इसको कहते हैं, ये जो जाल सा छतरी सी नज़र आ रही है ना जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, इसको कहते हैं कि उसने अपना जो बाजू था उस पर एक छतरी नुमा चीज़ जो है वो रखी हुई थी जिस पर वो फाल्कन बैठा हुआ था। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और उस वो चढ़ी एक बड़े से काले रंग के घोड़े पर, ऊंचे काले रंग के घोड़े पर। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, जब उसके दोस्त भी पहुंचे, शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग देम, तो वो उनको पैलेस की तरफ जो है वो लीड कर रही थी, मतलब उनकी रहनुमाई कर रही थी। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्राम द वॉल्स ऑफ द सिटी, शॉर्ट डिस्टेंस बहुत थोड़ा जो फासला था, फ्राम द वॉल्स जो दीवारें थी ऑफ द सिटी शहर की, कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स, कैटरीना ने जो उसके साथ साथी थे उन्हें कहा टू वेट, के इंतज़ार करें। शी रोड बाई हर सेल्फ इन टू द सिटी, और वो ख़ुद जो है वो शहर की तरफ बढ़ी, एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, बड़े से जो हॉल था, बहुत बड़ा कमरा नुमा जो जगह थी पैलेस महल की, वहाँ वो गई। ऑल द पीपल थॉट, तमाम लोगों ने सोचा, शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, कि ये एक कुछ अजीम जो जंगजू हैं उनमें से एक है। ऑफ़ कोर्स, यकीनन, नो वन गेस्ट, शी वाज अ वुमेन, बिल्कुल किसी ने भी गेस ना किया या अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक औरत है। कैटरीना बोर्ड टू प्रिंस व्लादिमीर, बोर्ड का मतलब होता है झुकना, जैसे ये थोड़ा सा इसकी जो शेप है वो हमें झुकी हुई नज़र आ रही है, तो वो क्या है कि जो प्रिंस था, शहजादा था, उसके सामने वो झुकी।